हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्द बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम सूजी से बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनता है और एक ही बैटर से हम तीन तरह का बना सकते हैं और ये लगभग 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल दही लिया है और एक बाउल सूजी ली है, तो अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हमने आधा चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड किया है। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची हम बहुत ही कम डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ी देर अच्छे से सूजी और दही मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसमें एक बाउल पानी ऐड करेंगे। और पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमें बैटर जिस तरह से इडली का बैटर होता है वैसा ही इससे तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर परफेक्ट बन के तैयार है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे हम खाना सोडा भी बोलते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम एक टमाटर लिया था और एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, 2-3 हरी मिर्च ली थी कट करके, और थोड़ा सा धनिया लिया था हरा वाला कट करके, वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक पैन गर्म किया है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम अपने पिज्ज़ा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। तो एक चम्मच हमने बैटर डाल दिया है। इसके बाद हमने जो कटी हुई सब्जियां ली थी, सबसे पहले हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा कलरफुल लगे। इसके बाद थोड़ी सी हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यदि आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम आधा मिनट के लिए लगभग ढक देंगे और गैस को लो मीडियम फ्लेम रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, एकदम फूला फूला और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया। तो हम इसे एक ही साइड से सेकेंगे, आप दोनों साइड से भी सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन ये नीचे की तरफ से सिक गया है और इसे ज़रूरत नहीं है दोनों साइड सेकने की। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम देखने में पिज्ज़ा की तरह लग रहा है, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद हम एक और तैयार करेंगे इस तरह से। तो एक चम्मच हमने यहाँ पर बैटर डाला है, इसमें हम थोड़ी सी सब्जियाँ फिर से ऐड करेंगे। इसमें आप शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल ही प्याज टमाटर हरी मिर्ची धनिया से आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से, अब हम दूसरा बनाएंगे। तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया है और बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे आपको टिफ़िन में बना कर देना है तो बहुत ही जल्दी बनता है इंस्टेंट, तो आप बना कर दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, इसके बाद जो हमने सब्जियां ली हैं वो डाल दें। तो ये एकदम जैसे कि हम चीला तैयार करते हैं बेसन वाला, वैसा टेस्ट आता है, एकदम बहुत ही बढ़िया। तो सारी सब्जियां डाल दी हैं, इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। तो इसका टेस्ट और देखने में भी ये अलग लगता है, तो ये भी थोड़ा सा अलग तरह से बन जाता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा बैटर बच गया है, तो इसमें जो हमने सारी वेजिटेबल्स ली थी जो भी, वो सारी एक साथ मिक्स कर देंगे। यदि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो एक साथ मिक्स करें और ऐसे भी बना लें, तो ये भी अलग तरह से बन जाता है। तो तीनों अलग अलग तरह से बना सकते हैं आप। तो ये देखने में भी तीनों तरह से अलग लगेगा और खाने में भी अलग लगेगा। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम ऑयल लगा देंगे। और इसे पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे ये दोनों साइड से।
एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। और इसमें कितना एकदम जाली जैसी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया ये बना है, बहुत ही टेस्टी। लगभग एक मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और हम जब इसे सेकेंगे तो गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। इसके बाद हम तीसरे तरीके से बना सकते हैं। तो सूजी और दही का नाश्ता आप तीन तरह से बना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम दो बनाएंगे एक साथ, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी इस तरह से बन गया है। तो इसे आप पैनकेक भी बोल सकते हैं, नमकीन वाला पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं और चीला भी बोल सकते हैं। तो तीनों अलग अलग तरह से हमने आपको यहाँ पर बनाकर बता दिए हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सबसे बढ़िया तो ये है कि बहुत जल्द बन जाते हैं, तो आप लंच बॉक्स में सुबह सुबह से बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सूजी, दही और सब्जियों का कितना बढ़िया और हेल्दी नाश्ता तैयार किया है और ये दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया कलर आया है कि देखते ही खाने का मन करेगा। और यहाँ पर सारे ही बनके तैयार हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये देखने में लग रहे हैं और ये तो बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह लग रहे हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगी। कभी कभी हल्की फुल्की भूख हो और खाना बनाने का मन ना हो तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप नाश्ते में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आप इसमें सॉस लगाकर बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे तो पूरा ही फिनिश कर देंगे। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और इस तरह से तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, तो एक बार आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।